हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी माय सेल शुभम सिंह आज हम करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो हमने क्लास नाइन की एक प्लेज स्टार्ट की थी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी आज सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट टू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद देयर बेसिक्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू देर स्लेंड्रिकल पार्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिलीवर किया था वो किसके ऊपर था विच आर बेस्ड अपॉन द किसके लिटल सरफेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया किसका क्यूबाइड और क्यूब का डिस्कस किया था ठीक है चलिए सेम इसमें भी कोई नई चीज नहीं है खाली आपको कर्व सरफेस एरिया जिसको टोटल सरफेस लिटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं और उसके साथ साथ आपको टोटल सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए वॉल्यूम का टॉपिक है नहीं है बट वॉल्यूम आपको मैं बता दूंगा वॉल्यूम होता क्या है किसी चीज की कैपेसिटी ठीक है अगर एक गिलास है एक गिलास में कितना पानी आ सकता है जो पानी कितना होल्ड कर सकता है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास ठीक है मान लीजिए ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है पहले मैं आपको इसका लिटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बता देता हूं ठीक है लिटल सरफेस एरिया आउटर पार्ट जिसको बोलते हैं हम जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं किसका सिलेंडर का वो होता है टू पाई आर एच ठीक है और टोटल सरफेस एरिया याद रखोगे आप टू पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर लिखो चाहे आर प्लस एच लिखो वो और अगर आप इसका वॉल्यूम पूछते हो या गया टोटल एरिया, टोटल सरफेस 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 एरिया एरिया वॉल्यूम पूछते हो सिलेंडर का विच इज इक्वल टू पाई आर स्कैर पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन होगी या थ्री पॉइंट वन फोर होगी अगर आपको पर्टिकुलर थ्री पॉइंट वन फोर बोला होगा तब अदरवाइज यू हैव टू यूज ऑनली ट्वेंटी टू बाई सेवन ठीक है अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ये टू पाई आर एच बनता है कैसे ठीक है जैसे मैंने उस पर भी बताया था आपको क्यूबाइड में भी ठीक है एजिस को वो साइड्स को लेके मान लो एक मेरे पास ये कॉइन है लेट अस सपोज दैट दिस इज अ वन कॉइन ठीक है ये एक वन कॉइन है विच आर सर्कुलर शेप ठीक है कर्वड या टोटल किसको बोलते हैं आउटर पार्ट को तो सर्कुलर में आउटर पार्ट का नाम होता है सर्कलफेंस विच आर बेस्ड अपॉन द सर्कल सर्कम वेंस ऑफ ए सर्कल जो होता है वो बेटा टू पाई आर होता है यही पढ़ा था एरिया ऑफ ए सर्कल जो पढ़ते हैं हम वो पाई पाईआर स्क्वायर पढ़ते हैं और सर्कमेंस ऑफ ए सर्कल जो पढ़ते हैं वो टू पाई आर पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं मान लो हमारे पास एक कॉइन है अभी हमारे पास एक और कॉइन हो गया ठीक है दो कॉइन तीन कॉइन चार कॉइन पांच कॉइन इस तरह से ये कॉइन बढ़ते बढ़ते इस शेप में आ गए ठीक है ये मैंने कॉइन तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की है यहाँ पे ये सारे क्या थे कॉइन्स थे इस कॉइन के साथ साथ जब मैं एक के ऊपर एक कॉइन रखते जा रहा था तो इसकी क्या इंक्रीज हो रही थी मान लो एक कॉइन था तो वो टू पाई आर था तो नंबर ऑफ कॉइन्स मान लो हंड्रेड हो गए तो हंड्रेड कॉइन्स की क्या ये ये क्या इंक्रीज हो रही है जो के एक ही के ऊपर एक रखे जा रही है विच इज कॉल्ड एज हाइट तो टू पाई आर को एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा

छोटे से कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है ठीक है वैसे तो इसका प्रूफ नहीं है आपको बट आपको लिटिल बिट कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसका क्योंकि आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो टॉपिक जब भी पढ़ो तो हमें उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए ठीक है चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो आज के दो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों वैसे तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेंड्रिकल पार्ट बहुत बार आपके पेपर में एग्जाम में पूछे जाएगा क्योंकि सिलेंडरिकल पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेंड्रिकल भी है क्योंकि भी इंपॉर्टेंट है बट के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा जिसकी हाइट फोर्टीन सेंटीमीटर है और एरिया 88 सेंटीमीटर है बताओ उसकी डायमी बेस ऑफ ए सिलेंडर क्या होगी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है हर किसी में बट अगर आप बनाना भी चाहो तो इस तरह से बनेगी एक सिलेंडर बना दो क्या पूछा है हाइट कितनी दी है ये उसका बेटा रेडियस आ गया यहां से यहां तक ये भी रेडियस ये हो गई हाइट हाइट कितनी हमें फोर्टीन सेंटीमीटर और हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है जिसकी वैल्यू टू पाई आर एच की वैल्यू कितनी दी है एटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्या निकालना है डायमीटर की वैल्यू बतानी है ठीक है ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया इस क्वेश्चन का सबसे पहले लिखते हैं हाइट

into 22 ट्वेंटी टू that is रेडियस to इज एटी एट ठीक है फोर टू the एट फोर टू the एट into रेडियस that इज इक्वल to एटी एट रेडियस to 88 एटी एट डिवाइडेड which एटी एट to इज in centimeter वन इन सेंटीमीटर ठीक है क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में था इसलिए हमारा आंसर भी रेडियस जो आया वो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आया अब बोला क्या गया था वट इज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर जो बेटा डायमीटर बेस का होगा वही टॉप का होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती है क्योंकि सिलेंडर एक ही शेप में होगा डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर कल पार्ट टू इंटू रेडियस डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल वन टू इंटू वन सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू टू सेंटी ये आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन जो मैंने आपको सामने फाइंड आउट कर दिया ठीक है क्लियर हो गया कोई मुश्किल किसी को कोई डाउट ठीक है दो दो क्वेश्चन करके करेंगे क्योंकि अभी हम इतनी जल्दी नहीं है बट कोशिश करेंगे कि ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए ठीक है फर्स्ट फोकस मेरा उसी पे रहेगा ठीक है चलिए इसका स्क्रीन ले लो और अपनी यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो ठीक है जो सेंट जेवियर वाले ठीक है चलिए जी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं इसको इरेज कर दूंगी छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए आते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इट

डायामीटर जो था वो कितना दिया था 140 सेंटीमीटर में ठीक है एक मीटर में एक सेंटीमीटर में किससे बनाए फ्रॉम ए फ्रॉम ए मेटल शीट ठीक है ये जो सिलेंडरकल शीट थी पार्ट था ये किससे बनाए मेटल शीट से आगे पूछते हैं हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट हाउ मैनी स्क्यर मीटर ऑफ द शीट शीट रिक्वायर्ड टोटल शीट की बात कर रहा है हाउ मेनी स्क्टर हाउ मेनी हाउ मेनी स्क्र मीटर ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम उसी को बनाने के लिए कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी जब टोटल की बात करेगा तो हम टोटल सर्फेस एरिया लगाएंगे ठीक है अभी हमने कब सर्फेस एरिया प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया ठीक है अब मान लो सबसे पहले पहले बोलते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट जिसकी हाइट वन मीटर है और बेस डायमीटर हमें फोर्ट वन फोर्टी सेंटीमीटर दी है सबसे पहले लिखते हैं हाइट ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल टैंक जो कितनी दी गई है वन मीटर आप इसको हंड्रेड सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है और अगर आप लिखना चाहो तो हंड्रेड सेंटीमीटर भी लिख सकते हो ठीक है और क्या दिया है बेस डायमीटर बेस डायमीटर कितना दिया है ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का बेस डायमीटर दिए गए वन फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं इसलिए मैंने हाइट को वन हंड्रेड सेंटीमीटर लिख दिया और जो डायमीटर था विच आर ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ही है ठीक है अब इसका अगर डायामीटर 140 है तो रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक डायामीटर का हाफ डायामीटर डिवाइडेड बाय टू 140 सेंटीमीटर क्लियर हो गया ये हमारे पास आ गया क्या रेडियस अब हमें क्या निकालना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम टोटल शीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज इक्वल्स टू टू पाई आर एच प्लस आर आर प्लस एच एच प्लस आर बोथ आर सेम ठीक है टोटल सरफेस एरिया यूज करोगे ना कि लिटल सरफेस एरिया आउटर इनर सारा यूज करेंगे ठीक है टू इन ट्वेंटी टू बाई सेवन रेडियस कितना है हमारे पास सेवेंटी हाइट कितनी है हंड्रेड प्लस सेवेंटी ठीक है इसको ध्यान से करिए सेवन टेन द सेवेंटी इसको काट देते टू इंटू ट्वेंटी टू फोर्टी फोर इंटू टेन प्लस वन सेवनटी हंड्रेड प्लस वन सेवेंटी इसको लिख देते फोर फोर्टी इंटू वन सेवनटी सेंटीमीटर आ गया स्क्वायर में ठीक है अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में लिखें ठीक है मीटर स्केयर में वैसे करने की जरूरत तो नहीं है अगर आप इसको सेंटीमीटर स्केर में भी लिखोगे तो भी चल जाएगा अगर आप मीटर स्केर में करना भी चाहो सबसे पहले हम 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाकी काम बाद में करेंगे सेवन फोर द ट्वेंटी एट टू कैरी सेवन फोर द ट्वेंटी एट और टू थर्टी और फोर थर्टी फोर थ्री कैरी फोर वन द फोर और थ्री सेवन फोर एट सेवन फोर एट वन टू सेंटीमीटर स्केयर वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं और वन सेंटीमीटर में वन अपॉन हंड्रेड मीटर होते हैं तो हमें क्या करना है मीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा इसलिए दो बारी हंड्रेड से डिवाइड किया ठीक है और यहाँ पे क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर ठीक है दो जीरो दो जीरो कैंसिल क्या बच गया हमारे पास सेवन फोर्टी एटेड बाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सेवन पॉइंट फोर एट मीटर स्क्वायर ये आंसर हो गया ठीक है क्लियर हो गया कोई मुश्किल किसी के लिए इसको इरेज कर देते हैं ठीक है आप क्वेश्चन को समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्योंकि ये खाली आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही है और काफी आसान क्वेश्चन है आई गेस कि इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए और सारे के सारे आसान क्वेश्चन हैं ठीक है सो so, आज की वीडियो में दो दो क्वेश्चन करके करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ठीक है ओके थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब